हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास के बारे में, और इस लेसन में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की फुरा प्रजातियों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। हाय एवरीवन, मैं मनवर सिंह आप लोगों के बीच, और बेस्ट नॉर्थ ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज के इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उत्तराखंड का इतिहास पौराणिक है, और उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ है उत्तरी भूभाग का रूपांतर। इस नाम का उल्लेख प्रारंभिक हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है, जहाँ पर केदारखंड को वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र और मानसखंड को वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र के रूप में इसका उल्लेख है। उत्तराखंड प्राचीन पौराणिक शब्द भी है, जो हिमालय के मध्य फैलाव के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समग्र क्षेत्र धर्म में और देव शक्तियों की क्रीड़ा भूमि तथा हिंदू धर्म के उद्भव और महिमाओं की सारगर्भित कुंजी व रहस्यमय है। पौरव, कुषाण, गुप्त, कत्यूरी, रायक, पाल, चंद, परमार व पंवार राजवंश और अंग्रेजों ने बारी बारी से यहाँ शासन किया था। तो चलिए इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं कौल प्रजाति की। उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम प्रजाति थी वो थी कौल प्रजाति। कौल प्रजाति को माना जाता है उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति। और कौल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे थे, कई बार MCQs ये भी पूछा जाता है। तो वो कुरूप व भद्दे थे कौल प्रजाति के लोग। पुरा साहित्य के ग्रंथों में कौल प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर नाम से भी मिलता है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मुंड या शबर नाम से भी मिलता है। बाकी कौल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करते थे। कौल प्रजाति के जो लोग थे वो नाग पूजा करते थे, और उसी के साथ साथ वो लिंग पूजा भी करते थे। कुमार कुमारी प्रथा कौल प्रजाति में मिलती है, और इस प्रथा में भौंडांतिक प्रभाव भी दिखाई देता है। अब भौंडांतिक प्रभाव का मतलब है, भौंडांतिक जो प्रजाति है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कुमार कुमारी प्रथा कौल प्रजाति में मिलती है, यानी जो कुमार कुमारी की प्रथा थी वो कौल प्रजाति में ही मिलती थी, और इस प्रथा में भौंडांतिक प्रभाव दिखता है। भौंडांतिक प्रभाव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बाकी नेपाल में कौलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। ये आपका एक लाइन होगी कि नेपाल में कौलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। शिव प्रसाद डबराल कौल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की जानकारी प्राचीनतम जाति मानते हैं। यानी जो शिव प्रसाद डबराल जी थे, जिनको चारा नाम से जाना जाता था, वो कौल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की, यानी जो हिमालय का क्षेत्र है उत्तराखंड हम कह सकते हैं, वहाँ की ये प्राचीनतम जाति मानते थे कौल या मुंड को। अब बात आती है किरात प्रजाति की। तो कौल के बाद जो उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है, इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आई थी कौल प्रजाति, उसके बाद आए किरात प्रजाति उत्तराखंड में, और इनका जो आधिपत्य की जानकारी मिलती है किरातों की, वो इन्हें किन्नर या कीर सबसे हम इन्हें उल्लेखित करते हैं। और स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया है। स्कंद पुराण है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ, उसमें इनको भील कहा गया है, और इनकी भाषा या बोली मुंडा एवं खाद्य सत्तु था। मुंडा एवं जो मुख्य भोजन था वो सत्तु था। सत्तु अब तो बहुत कम आता है, बट जो पहले आता था आंगनवाड़ी केंद्र में तो सत्तू वहाँ बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। आगे किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। तो जो किरात प्रजाति थी वो भ्रमणकारी भी थे, पशुपालक भी थे, यानी वो एक आखेटक जाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। तो जो शिव के झंडे के नीचे अर्जुन था, उन्होंने उनसे युद्ध किया था किरात प्रजाति के लोगों ने। ये किसमें उल्लिखित था, वो है महाभारत के वन पर्व के अनुसार। बाकी किरातों के साथ साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ था, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता था। एक स्थान था शिवप्रयाग,
जिसको कि विल्लव केदार नाम से जाना जाता था। किरातों ने अर्जुन के साथ जो युद्ध किया था वो इसी स्थान पे किया था। बाकी इनके बारे में थोड़ा सा आगे जान लेंगे। बाणभट्ट की कादंबरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि होती है। बाणभट्ट की जो कादंबरी रचना थी और हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि होती है, यानी हिमालय क्षेत्र में किरात रहते थे, ये कहाँ मिला है? कादंबरी रचना में। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है, जो किरातों का बहुत सारी जगह पे वर्णन मिलता है। जैसे आप कह सकते हैं कि बाणभट्ट की कादंबरी रचना, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य, आगे वर्तमान में अस्कोट व डीडी हाट नामक स्थान में किरातों के वंशज रहते हैं, और जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। अब शिव प्रसाद डबराल किसको मानते थे? कॉल प्रजाति को। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे वो मानते हैं किरात प्रजाति को। आगे अब बात आते हैं खस प्रजाति की। तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है, और खसों को सन 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था कौल प्रजाति के बारे में, उसके बाद आए किरात प्रजाति। तो किरातों के बाद आए उत्तराखंड में खस प्रजाति, और खसों को सन 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। मैंने रिपीट करवा दिया आप लोगों को। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था, और घर जमाई प्रथा एवं पशु बलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। आपने घर जमाई सुना होगा, ये एक प्रथा थी, पशु की बलि की एक प्रथा थी, ये सब किन में थी? ये सब खस प्रजाति में प्रचलित थी, घर जमाई प्रथा और पशु बलि प्रथा। वैसे पशु बलि प्रथा अभी भी है, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी मंदिर में जब बकरी को दान करते हैं तो उसकी बलि दी जाती है, और घर जमाई की जो प्रथा है वो कई अभी भी जाते हैं घर जमाई बनकर उत्तराखंड में, तो बहुत बार आपने सुना होगा। और खसों की जो विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता है। ये आपका एक डेफिनेशन बन गई कि टिकुआ प्रथा किसे कहा जाता है। तो खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, उसे ही टिकुआ प्रथा कहा जाता है। कई बार MCQs भी बन सकते हैं ये, तो आप इनको क्लियर कर लीजिए। आगे अब झंटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झंटेला कहा जाता था। अब झंटेला भी एक प्रथा है जो खसों में व्याप्त थी, यानी खसों में प्रचलित थी ये प्रथा झंटेला। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, तो जब कोई स्त्री अपने ससुराल को छोड़कर किसी दूसरे जगह चली जाती है दूसरे पति के साथ, तो जो उसका पहला पति था उससे जो उत्पन्न हुआ था पुत्र, उससे कहा जाता था झंटेला। इसलिए इसको झंटेला प्रथा कहते हैं। और खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे। जब भी जो खस लोग थे उनकी जब पहली पुत्री होती थी, ज्येष्ठ पुत्री, तो उसको वे मंदिर में दान कर देते थे, और मतलब इसे कहते थे देवदासी प्रथा। ये आपकी पूरी डेफिनेशन बन गई है, देवदासी प्रथा किसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे। अब नेक्स्ट है, गढ़वाल कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय हुआ था। अब बात आती है भोटांतिक या शोका प्रजाति की। तो भोटांतिक प्रजाति भी वही है और शोका प्रजाति भी। काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को शोका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। व्यापारिक प्रजाति हम कह सकते हैं कि ये जो नदी घाटियों में रहते थे भोटिया लोग, तो वे व्यापार करते थे।
इसीलिए इन्हें भोटातिक प्रजाति कहा गया है। और सन 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। ये एमसीक्यूज भी आपका बन गया कि भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे कब तक, तो सन 1962 ईस्वी तक उन्होंने तिब्बत से व्यापार किया। सन 1914 ईस्वी में हुए तिब्बत व अंग्रेज़ों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया प्रजाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हो गई थी। आगे अब बात आते हैं भोटांतिकों की अनेक उपजातियां थीं, जैसे गर्बियाल, गुंजाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, दत्ताल आदि। ये सभी किसकी उपजातियां थीं? भोटांतिकों की। भोटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी। राठ क्षेत्र हमारा वर्तमान होम टाउन है और यह संगोत्र में विभक्त थी एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इनकी जो बिरादरी थी वो राठ क्षेत्र में ही थी, तो ये लोग राठ को बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो राठ क्षेत्र में जो गांव थे या घर थे तो वो अपने आपस में वैवाहिक संबंध नहीं। अब एक प्रथा आती है रड़बड़ प्रथा, तो इसका जो प्रचलन था वो दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में है। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते थे। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी यदि UK SSSC और UK PSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।